हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोग के लिए लेके आई हूँ विग्नर्स मेकअप किट। जैसे आप देख सकते हैं, ये है विग्नर्स मेकअप किट अंडर 250 रुपीज। कुछ कुछ सामान इसमें, जो कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 250 रुपीज के हैं, बाकी सब मिनिमम 150 या उससे भी कम, स्टार्टिंग आपका 40 रुपीज से है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है और वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो हर गर्ल्स को प्रोडक्ट लेने में थोड़ा बहुत सोचती है क्या लूँ। मैं भी सोचती थी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ, कौन सा प्रोडक्ट ना लूँ। तो उन लोगों के लिए जो विग्नर्स है, जो टीनेजर्स है, कुछ कुछ सामान इस पर टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे सारा सामान यूज़ कर सकते हैं, बट टीनेजर्स मेकअप कम ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये पूरा फुल विग्नर्स मेकअप किट है। तो मैं एक एक करके बताती हूँ मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करती हूँ निविया सॉफ्ट विटामिन ई लाइट मॉइस्चराइजर। ये मैं आपको एकदम रिकमेंड करूँगी कि आप ये प्रोडक्ट ज़रूर से लें। ये ऑल स्किन टाइप है। मैं इसमें जो भी प्रोडक्ट आपको दिखाऊँगी वो सब ऑल स्किन टाइप होगा। तो मैंने इसके ऊपर रिव्यू भी किया है, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। बहुत ही लाइट है, ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है गाइस, इसको आप डे में नाइट में आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप लैक्मे पीच मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उसको भी यूज़ करती थी, बट इस टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहे तो मॉइस्चराइजर को ये ले सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप है, ड्राई, जिसका स्किन ड्राई है, जिसका ऑयली है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये है। सो गाइस, अब मॉइस्चराइजर के बाद बारी आती है प्राइमर की। मैं यहाँ एनवाईवेव का प्राइमर आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ऑल स्किन टाइप है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप ब्लू हेवन का प्राइमर ले सकते हैं, बट वो 300 का आता है और इसका प्राइस है 225 रुपीज़। इसमें हमेशा सेल चलता रहता है तो आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएगा, बट मैं यहाँ जो भी प्रोडक्ट बताऊँगी आपको सब रियल प्राइस में बताऊँगी, क्योंकि कभी ऑफर नहीं, वैसे ज़्यादातर ऑफर रहते ही है, बट कभी अगर ऐसा हुआ कि ऑफर नहीं हुआ तो ये आपको बस purple.com पे मिलेगा, बाकी और कहीं भी नहीं मिलेगा। आप अगर और कोई प्राइमर लेना चाहते हैं तो आप कलरफिल का प्राइमर ले सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा 250 के ऊपर जाना है तो बहुत सारे प्राइमर हैं जो आप ले सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको ये बताती हूँ। सो गाइस, प्राइमर के बाद बारी आती है फाउंडेशन की। अगर आपको फाउंडेशन पसंद है तो आप लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन ले सकते हैं। इसमें मेरा शेड है 02, और आप चाहे तो इस फाउंडेशन के अलावा आप ओलिविया का फाउंडेशन ले सकते हैं। सो गाइस, ये तो आपको हाई कवरेज नहीं देगा, बट आप अगर दो लेयर अप्लाई करें तो हाई कवरेज भी दे देगा, बट अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप चाहे तो मेबलिन का ले सकते हैं, वही फाउंडेशन बहुत अच्छा है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। और अगर आपको फाउंडेशन नहीं पसंद है तो आप बीबी क्रीम भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पॉन्स की बीबी क्रीम आपको दिखा रही हूँ, इसका प्राइस है, सो गाइस फाउंडेशन का प्राइस आपको 260 रुपीज़ है, बट हमेशा ऑफर में रहता है तो आपको 200 के अंदर में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, और अगर ऑफलाइन लीजिएगा तो 250-240 तक आराम से मिल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको ये बीबी क्रीम रिकमेंड करूँगी। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते फाउंडेशन, तो आप बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखते होंगे कि आप बीबी क्रीम मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो इसका प्राइस है 140, या इसका प्राइस 140। ये SPF 30 PA++ से आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सन प्रोटेक्शन भी हमें इसको मिलता है। आप चाहे तो डे टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास सीसी क्रीम नहीं है तो इसके लिए मैं वो आपको नहीं बता सकती हूँ कैसा है। तो बीबी क्रीम ज़्यादा बेस्ट है। ये ऑल स्किन टाइप है गाइस, ये भी ऑल स्किन टाइप है, बिल्कुल मैट फिनिश देता है। सो गाइस, बीबी सीसी क्रीम अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते, फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप चाहे तो ओलिविया का पेन स्टिक ले सकते हैं। इसमें मेरा शेड है 05 टच एंड ग्लो। इसमें मेरा शेड है 05 गाइस, ये स्टिक फॉर्म में आता है, आप देख सकते हैं। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, आप देखे होंगे मैं बहुत सारी वीडियोस में अपने ये यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए आप ये चाहे तो पूरा फुल फेस फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और ना अगर चाहे तो बस कंसीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 है,
इसमें 10 शेड अवेलेबल है, आप अपने शेड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सो गाइस, अब फाउंडेशन के बाद मूव ऑन करते हैं कंसीलर पे। तो कंसीलर के लिए मैं आपको सीज ब्यूटी का कंसीलर रिकमेंड करूंगी। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 169 रुपीज। इसमें मेरा शेड है 04 मीडियम। तो इस ये कंसीलर के अलावा आप चाहे तो NYB का भी कंसीलर ले सकते हो। मैं वो भी यूज़ करती हूँ, ये भी यूज़ करती हूँ, बट वो मेरा थोड़ा टूट गया है तो इसके लिए मैंने उसको रखा हुआ है। तो आप ये कंसीलर चाहे आप वो कंसीलर यूज़ कर सकते हो। उसका ये प्राइस आई थिंक 195 या 225 है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। सो गाइस, यहाँ मैं जो भी प्रोडक्ट बता रही हूँ वो 250 के अंदर में। अगर आप 250 के ऊपर भी लेना चाहते हैं तो बहुत सारा वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, मेबलिन का फाउंडेशन, मेबलिन का कंसीलर, बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारा है जो आप ले सकते हैं। बट उन लोगों का प्राइस थोड़ा हाई है। तो मैं यहाँ बिगिनर्स मेकअप किट बना रही हूँ, तो मैं यहाँ ज़्यादा हाई चीज़ें नहीं दिखा रही, मैं यहाँ मिनिमम बजट में दिखा रही हूँ। तो इसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं वो सब प्रोडक्ट क्यों नहीं बता रही, वो सब प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है वो सब प्रोडक्ट, तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया इसके लिए मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती। सो गाइस, फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम सबके अलावा, कंसीलर के अलावा, अब हमें बेस को सेट करने की भी तो ज़रूरत पड़ती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट लूज पाउडर है, कॉम्पैक्ट नहीं, ये वन ऑफ द बेस्ट लूज पाउडर है, लैक्मी का रोज पाउडर। इसका प्राइस है 160 रुपीज। हमेशा मैं जितना चीज़ बता रही हूँ सब पे ऑफर चलता रहता है, सब में आप कम से कम प्राइस में मिल जाएगा। तो इस ये भी विथ SPF आता है, बट कितना इसमें मेंशन नहीं किया गया है। इसमें मेरा शेड है 01 सॉफ्ट पिंक। सो गाइस, आप चाहे तो ये लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसके अलावा भी ADS का भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इससे भी कम रेंज के आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लू हेवन के भी आते हैं शायद, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब लूज पाउडर के अलावा मैं आपको कॉम्पैक्ट बताती हूँ। कॉम्पैक्ट के लिए मैं आपको ये सजेशन करूँगी, लैक्मी सन एक्सपर्ट SPF 40 PA+++ UVA UVB। ये अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट गाइस, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए, ये ऑल स्किन टाइप है। बट मैंने इसके ऊपर रिव्यू किया हुआ है, अगर आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, ये अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, इसका प्राइस है 220, बट ये मैंने इसको 179 में मंगाया था, ऑफर था उस टाइम पे। सो गाइस, अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप चाहे तो मेबलिन का भी ले सकते हैं, वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, वो भी मेरा तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो आप चाहे तो वो वाला भी ले सकते हैं। सो गाइस, अब बेस मेकअप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम अपने आईब्रोज पे चलते हैं। आईब्रो के लिए मैं आपको मैट लुक का आईब्रो पेंसिल, इसमें आपको स्पूली भी मिल जाता है जिससे आप अच्छे से कॉम्ब कर सकते हैं अपने आईब्रोज को। मेरे पास बस एक ही है, मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप स्यूज ब्यूटी का भी ले सकते हैं, मैं उसको लेने वाली हूँ, उस मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं मैट लुक की आईब्रो पेंसिल। इसका प्राइस ओनली 40 रुपीज़ है, मैंने इसको 40 रुपीज़ में लिया था, तो आप ले सकते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में यही यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी यही है इस टाइम पे। और मेरे पास एक MN का भी है, वो भी बहुत अच्छा है, MN का भी आईब्रो पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। तो आईब्रोज के लिए मैं यही आपको। सो गाइस, आईब्रोज के बाद अब मैं आई शेडो के लिए आपको बताना चाहती हूँ। तो आई शेडो के लिए मैं SFR कलर आई फेस पैलेट, ये मैं आपको एकदम से रिकमेंड करूँगा, इसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका प्राइस ओनली 150 या 149, एक रुपये इधर उधर। आप देख सकते हैं इसमें एक ब्लश शेड भी मिलता है, दो हाईलाइटर भी मिलता है, बाकी सब शिमर शेड है आई शेडो के लिए। मैंने इसको 2-3 वीडियोज़ में अपने यूज़ किया है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। गाइस, मैं आपको थोड़ा स्वेचेस करके दिखाती हूँ। अब मैं थोड़ा आई शेडो का स्वेचेस आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको फेस का भी मिल जाता है और ये सब भी मिल जाता है आई शेडो में। बट इसमें मैट आपको एक भी नहीं मिलता है, बस एक ब्लश को आप आई शेडो की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं।
फ्लैट सेकेंड मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, ये है SFR कलर कॉन्टोर ब्रॉन्जर हाइलाइटर और ब्लश का पैलेट। आपने इसको देखा होगा, मैंने एक बार हॉल वीडियो शेयर किया था उसमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसमें आप ये पूरे पैलेट है आप समझ लीजिए, आप इसमें कॉन्टोर भी कर सकते हैं, ब्लश भी है एंड हाइलाइटर भी है। इसका भी स्वेच इसमें आपको दिखाना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं ये मैट है, तो आप इसको आई शेडो की तरह भी यूज़ करते, ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लश है एंड कॉन्टोर का है ब्रॉन्जर का है तो आप उसको आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। सो गाइस अब आ रही आती है आईलाइनर की, तो मैं आईलाइनर के लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट लैक्मी का इंस्टा लाइनर आपको रिकमेंड करूँगी। ये लाइनर बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग भी यूज़ करते हैं गाइस, आप देख सकते हैं एकदम जेट ब्लैक है, इसमें का ब्लू कलर भी आता है एंड ग्रीन कलर भी आता है, तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। इसका प्राइस ओनली, मैंने तो इसको 100 में लिया था, आई थिंक इसका प्राइस कितना है शायद 120 होगा, बट मैंने इसको 100 में लिया था। आप देख सकते हैं एकदम जेट ब्लैक है, और आप अगर और दूसरा कलर का लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कलरफील का आईलाइनर ले सकते हैं। इसका प्राइस ओनली 55 रुपीज़ है, और इसमें आपको एक ब्लू शेड एंड ग्रीन शेड एंड ब्लैक शेड भी मिल जाता है। मेरे पास इसमें ब्लू शेड है, तो आप देख सकते हैं इसका ब्रश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस, आप देख सकते हैं एकदम थिक लाइन एंड थिन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आईलाइनर आते हैं गाइस, आप चाहे तो SQ का आईलाइनर ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस अब आ रही है काजल की, ये मैं आपको बस यही बोलूँगी, बस आप यही काजल ले लीजिए। इसका प्राइस आपको रियल प्राइस आई थिंक 125 है, बट मैंने तो इसको ऑफर में 80-85 रुपीज़ में लिया था, आप देख सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है गाइस, वाटरप्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, बट ये वाटर से जल्दी निकलता नहीं है, इसको रिमूवर का यूज़ करना पड़ता तभी ये निकलता है। तो आप चाहे तो काजल के लिए ये ले सकते हैं। अब अगर ये काजल लेना चाहते तो काजल का बहुत सारा ऑप्शन है 250 के अंदर में, मैबेलिन का क्लोसल काजल ले सकते हैं और लैक्मे का आइकॉनिक काजल ले सकते हैं, बट प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं। सो गाइस काजल के बाद मैं आपको मस्कारा के लिए मैट लुक का मस्कारा रिकमेंड करूंगी, आप चाहे तो ये ले सकते हैं। ये मस्कारा गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये वाटर प्रूफ है और ये तो जल्दी निकलता ही नहीं है, चाहे रिमूवर का भी यूज़ करो तो भी ये जल्दी नहीं निकलता है। इसका प्राइस है 215 रुपये गाइस, बस देख सकते हैं। मैं बहुत कम इसको यूज़ करती हूँ, अभी मैंने इसको नया ही मंगाया है, कुछ टाइम से ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप चाहे तो मैबेलिन का भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत जल्द उसको भी लेने वाली हूँ। तो गाइस आप मस्कारा के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अब बारी आती है लिपस्टिक की, लिपस्टिक के बगैर तो सारा मेकअप अधूरा है, तो मैं लिपस्टिक के लिए आपको सबसे पहले 199 नायका की लिपस्टिक, इसमें बहुत सारे शेड रेंज है, इसमें मेरा शेड है 05, आप देख सकते हैं ये बुलेट लिपस्टिक है गाइस, मैंने इसके ऊपर रिव्यू किया हुआ है, अगर आप चाहे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें अपना शेड दिखा देती हूँ, काफी ज्यादा अच्छा है गाइस ये लिपस्टिक, बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा देर तक ये लॉन्ग लास्टिंग करता है, 5-6 आवर्स आराम से ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अब मैं आपको ब्लू हेवन का एलिगेंस मैट लिप कलर, इसमें मेरा शेड है 01, ये रेड कलर है, आप अगर ब्राइट कलर चाहते हो, ये बहुत ही लाइट वेट है, आपके लिप पे बहुत लाइट वेट है, आप देख सकते हैं ये रेड कलर है, प्रॉपर रेट में ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी 11 शेड अवेलेबल है, 11 या 12 शेड मिलता है, बट मेरे पास एक शेड है, मैं और भी मंगाऊंगी तो मैं इसके ऊपर ज़रूर रिव्यू करूंगी,
क्योंकि ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। प्राइस के साथ उसका प्राइस है 105, बट मैंने इसको मंगाया था 85 या 90 रुपीज़ में। तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं लिक्विड लिपस्टिक में। अगर आप बुलेट लिपस्टिक और लेना, बुलेट लिपस्टिक में और इससे भी कम रेंज में चाहते हैं, तो इसका प्राइस है 125 डार्लिंग इशाबेला का। इसमें मेरा शेड है 01 रेड। प्राइस आप देख सकते हैं, इसमें मेरा शेड है रेड कलर, ये वाला शेड है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है, रेड कलर है, प्रॉपर रेड। इसमें बहुत सारे शेड है, मैं ये भी लिपस्टिक लेने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे पास एक शेड ही, मैं जो भी लिपस्टिक दिखा रहा हूँ उसमें सबका मेरे पास एक ही शेड है, बट इसमें और भी दूसरा शेड भी मंगाने के लिए सोच रही हूँ। तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं इसका। इसको मैंने 50 रुपये, हमेशा पर्पल, ये पर्पल पे ही मिलता है, हमेशा 50% ऑफ चलता रहता है, तो मैं हम इसमें 50% ऑफ था, मैंने इसको 63 मंगाया था। इसका प्राइस है 125, बट इसका हमेशा ऑफर रहता है, तो आपको इसको 100 के अंदर में आपको हमेशा ही मिल जाएगा। सो गाइस, इस लिपस्टिक के बाद अब मैं आपको NYVA का लिक्विड लिपस्टिक, इसका प्राइस है 195, तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं। पिंक, इसमें मेरा शेड है 44, तो मेरा शेड है 44 गाइस, आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ, तो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। तो एक आप ये ले सकते हैं, ये भी आपको 200 के अंदर मिल जाता है, बट ऑफर रहते हैं तो और भी सस्ता मिल जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। तो गाइस, अब बारी रहती है मेकअप फिक्सर का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, इसका प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस है 250 रुपीज़, बट ऑनलाइन ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है, बट ऑफलाइन ये मुझे 1 रुपये भी कम नहीं मिला। इसका प्राइस है 149, 100 ml का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। मेरे पास अभी मेकअप फिक्सर में बस एक यही है, तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते तो NYVA का मेकअप फिक्सर ले सकते हैं और SQ का मेकअप फिक्सर ले सकते हैं, ये भी आपको 250 में मिल जाएगा आराम से। और आप कुछ भी लेना चाहते हैं, आप ऑल स्किन टाइप के हिसाब से, मैं आपको ब्लू हेवन का बोलना चाहूँगी कि आप ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर ले सकते हैं। मैं वो लेने वाली हूँ, तो मैं वो आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसका रिव्यू देखा है, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बहुत पहले ही बार यूज़ करती थी, फिर उसके बाद मेरा ख़त्म हो गया, तो इसके लिए आप चाहे तो वो ले सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि किसी ना किसी को ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी डालो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आपको मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।